देवभूमि उत्तराखंड में हनुमान जी के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां पर हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है और ना ही यहां पर हनुमान जी की पूजा की जाती है। यह गांव है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में नीति मार्ग पर स्थित द्रोणागिरी गांव। यह वही गांव है जहां से हनुमान जी त्रेता युग में लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने के लिए द्रोणागिरी पर्वत का एक बड़ा हिस्सा उखाड़कर अपने साथ लंका ले गए थे। बद्रीनाथ से इस पर्वत की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। यहां पर द्रोणागिरी पर्वत की पूजा की जाती है। हनुमान जी द्वारा द्रोणागिरी पर्वत को लंका ले जाने से इस गांव के लोग हनुमान जी से नाराज हैं। जब मेघनाथ तथा लक्ष्मण का भीषण युद्ध चल रहा था तो उस समय मेघनाथ ने दिव्य अस्त्र की सहायता से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। इसका प्रहार इतना तेज था कि लक्ष्मण को बचाना लगभग असंभव था। ऐसे समय में लंका के राज वैद्य सुषेण वैद्य की सहायता ली गई। उन्होंने इसका उपाय एक बूटी बताया जो कि संजीवनी बूटी थी। इस बूटी में इतनी शक्ति थी कि वह मूर्छित व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थी, अर्थात जिस व्यक्ति के अभी तक प्राण ना निकले हो लेकिन वह कुछ ही पल का मेहमान हो तो उस व्यक्ति के प्राण यह बूटी बचा सकती थी। इस कार्य को करने के लिए समय बहुत कम था तथा सूर्योदय से पहले पहले संजीवनी बूटी को लाना आवश्यक था। इस काम को केवल हनुमान जी ही कर सकते थे, इसलिए सुषेण वैद्य ने उन्हें संजीवनी बूटी के बारे में बताया कि वह कैसी दिखती है और कहां मिलेगी। बूटी के बारे में जानकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। सुषेण वैद्य के बताए अनुसार हनुमान जी उत्तराखंड के द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर कई सारी बूटियों को देखकर अचंभे में पड़ गए। सुषेण वैद्य ने उन्हें बताया था कि संजीवनी बूटी में से प्रकाश निकलता है, लेकिन वहां कई सारी ऐसी बूटियां थी जिनमें से प्रकाश निकल रहा था। इसके साथ ही हनुमान जी के पास इतना समय भी नहीं था कि वे पुनः जाकर सुषेण वैद्य से पूछ सके कि कौन सी बूटी संजीवनी बूटी होगी। ऐसे समय में हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमता से काम लिया और अपना शरीर पर्वत से भी विशालकाय कर लिया। इसके बाद उन्होंने उस पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया और अपने हाथ पर उठाकर लंका ले गए। इसके पश्चात सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया और वो लक्ष्मण के प्राण बचा पाए। हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी के लिए पूरे द्रोणागिरी पर्वत को उठा कर ले जाने से द्रोणागिरी गांव के लोग आज तक नाराज हैं। इसलिए वहां हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है, साथ ही वहां लाल रंग का झंडा लगाना भी वर्जित है। आशा करते हैं कि एक दिन वहां के लोग हनुमान जी की महत्ता तथा उद्देश्य को समझेंगे और इस प्राचीन कुरीति का त्याग करेंगे।